फिर इसके बाद चलो भाई एक बार तालियां बजा दो हमारे सन्यासियों के लिए जी सर, जोरदार। और मीनाक्षी के लिए यहाँ पर नमस्कार साथ साथ करते हैं एक साथ। और स्वामी जी स्टूडियो में मीनाक्षी के लिए बजा दो भाई, वो भी हमारी बहादुर बेटी है। हाँ मीनाक्षी जी के लिए भी और अभित के लिए भी। अरे सर चलो पहला मैं तो आज करता हूँ स्वामी। प्रणाम आसन, फिर आराम आराम से ऊर्ध्वहस्तासन, ऐसे फिर पादहस्तासन। पीछे जाते तो श्वास अंदर, आगे जाते तो श्वास बाहर। दक्षिण अश्व संचालन आसन एक साथ, पर्वतासन, साष्टांग आसन, घुटने छाती थोड़ी जमीन पर टच करते हुए, नीचे पड़ेंगे नहीं, छुएंगे खाली, स्पर्श करेंगे। भुजंगासन, श्वास भर के, श्वास छोड़ के पर्वतासन, बाएं पैर आगे, वाम अश्व संचालन आसन, श्वास अंदर, श्वास बाहर, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम आसन, एक श्वास में एक अभ्यास। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन और प्रणामासन। ऐसे वाह स्वामी जी, दो बार से लेकर 10 बार तक करना है। फिर देखो इसके अलावा तो जितना भी कर ले उतना ही अच्छा है। स्वामी जी एक चीज पूछना चाह रहा था मैं आपसे। 12 अभ्यास 12 महीने करें। आपने बहुत सुंदर जीवन चक्र बताया है, सृष्टि चक्र में ये जीवन चक्र में कोई बाधा ना आए, बस रोज सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास 10 बार करने का तो सब व्रत ले ही ले। और थोड़ा हमने तो सीधा ही शुरू कर दिया था क्योंकि हमने वार्म अप कर रखा था, शुरू में वार्म अप करने के लिए किया अभ्यास। और दूसरा जो है, चलो इधर मुँह करो सब, आप इधर करो, चलो स्टार्ट करो ऐसे, यह लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 100 बार करते हम ऐसे 100 बार, और थोड़ा फास्ट और फास्ट सुपर फास्ट ऐसे। यह स्वामी जी लंबे लंबे श्वास, आपको देखकर जो आप क्लास कर रहे हैं हमारे पीटी क्लासेस की याद आ गई मीनाक्षी। स्कूल में ऐसा ही होता था जब पीटी क्लासेस होते थे, फिट थे, किसी का वजन नहीं बढ़ता था, और क्योंकि योग कराया जाता था, एक्सरसाइज होती थी। बच्चा हो जवान हो, और सुनो जी देखो रिलैक्स, ये मेरे जो शिष्य है ना जो साथ साथ कर रहे थे, ये सब लगभग मुझसे आधी उम्र के हैं, और मैं ऐसे दौड़ लगाता हूँ सुबह 3 से 5 किलोमीटर। लग नहीं रहा था स्वामी जी, और रोज एक बार पसीना बहाता हूँ, जैसे अभी पसीना आ रहे हैं। आपका ये पसीना आपके बचपन में होने के संकेत देता है स्वामी जी। तो देखो ये दंड बैठक, ये सूर्य नमस्कार, और इसमें भी खाली 3 भी कर लें, एक दंड एक बैठक सूर्य नमस्कार, योग की त्रिवेणी हो गई। फिर जवानों को चलो शीर्षासन सर्वांगासन ये जरूर करने चाहिए, कम से कम 2 से 3 आसन जवानों के लिए। वैसे योगासन से पहले भी कर सकते हम लोगों का तो HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इतनी अच्छी है, 10 सेकेंड में हम नॉर्मल हो जाते हैं। शेष जिनको हाइपरटेंशन हार्ट की प्रॉब्लम उनको तो करना ही, बाकी शुरुआत में कर लिया करें तो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए। कई बार हम लोग ट्राइसेप बाइसेप मसल्स बनाने के चक्कर में, बॉडी को शेप में लाने के चक्कर में, अपने शरीर को बहुत स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक बनाने के फेर में हम स्वामी जी आसन छोड़ देते हैं। शीर्षासन क्या तो, जितने हमने की योगासन किए उसके बाद करना चाहिए या सबसे पहले कर लेना चाहिए? जितेंद्रिय हो योगासन सामान्य रूप से पहले किए जा सकते हैं, और जो जवान है उनके लिए कोई नियम नहीं, वो पहले करें बाद में करें। अच्छा शीर्षासन कोई बात नहीं है, तो 100 साल तक जवान रहेंगे, एंटी एजिंग है। हाँ शीर्षासन भी पहले और बाद में दोनों ही तरह से किया जा सकता है, जवानों के लिए वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। और ये शीर्षासन ये सब के लिए जरूरी है, कम से कम 2 आसन
और दो प्राणायाम, कपालभाति अनुलोम विलोम, ये तो सबको करने हैं। तो शीर्षासन और सर्वांगासन ये तो सब बच्चों को नियम से करवा दें, एक मिनट से लेकर के, और जिनको विशेष रूप से प्रज्ञावान बनाना है तो हमने ये भी ट्रेनिंग दी हुई है इंडिया टीवी पर कि आपको अपने बच्चों को न्यूटन आइंस्टीन की तरह, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि स्वामी विवेकानंद महर्षिदानंद की तरह उनको प्रज्ञावान बनाना है तो आर्यभट्ट की तरह, फिर उनको कम से कम दो दो मिनट ये शीर्षासन सर्वांगासन किया करवा दिया करें, और हलासन भी करना चाहें तो एक मिनट की हलासन करा दें। अब देखो ये पूरा पैकेज हो गया, बाएं करोट लेके बैठ जाए। जी स्वामी जी, स्वामी जी पूरा पैकेज हो गया, व्यायाम करवा दिया है, उसके बाद तो शवासन ही याद आ रहा है। पसीने की गंगा जमुना बह गई है। हाँ ये गंगा जमुना सरस्वती सब अपने भीतर है, बाई और गंगा, दाई और जमुना, बीच में सरस्वती, कपाल भाती और अनुलोम विलोम करें। इमं मे गंगे यमुने सरस्वती सतीद्री अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्यकश्यपः। स्वामी जी एक भीतर ही कुछ पूछना चाह रहा था आपसे, पूछ लग रहा, इजाजत दे तो। 10,201 नाड़ियां। हाँ पूछ लो। स्वामी जी IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जूझ रहे लोगों का वजन भी नहीं बढ़ता है, जो खाते हैं हजम नहीं होता है, ऐसे में क्या करना चाहिए उनको? उनको एक तो अनार खाना चाहिए, अनार कल्प, जैसे हमने तक्र कल्प बता रखा है, लोकी कल्प, द्राक्षा कल्प, खजूर कल्प बता रखा है, ऐसे उनको अनार कल्प करना चाहिए। उनको बेल कल्प करना चाहिए, बेल, अनार, छास, दही, कोटज घनवटी और चित्रकादिवटी दो दो गोली। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम और 10-10 ग्राम शंख, कपर्दक, मुक्ता शक्ति भस्म सब मिला के 4 ग्राम मुक्ता पिष्टी और एक दो दो तीन तीन ग्राम सुबह शाम खा लें। और वो कुछ आसन भी जो हम बताते हैं ना पेट के लिए और मधुमेह के लिए, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, 5-7 आसन कर ले जी। बस मीठा घी और दूध का सेवन ना करें, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और IBS से लेकर के कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस तक भी अच्छा होगा। धीरे धीरे कपाल भाती करें वैसे जी। स्वामी जी हाइपर थायराइड से भी लोग जो जूझते हैं, सॉल्यूशन बता दिया, मिट्टी पट्टी पेट पे रखनी चाहिए। स्वामी जी हाइपर थायराइड जो होता है, थायराइड का जी, थायराइड का भी बताता हूँ जी, उनका भी वजन तेजी से गिरता है जी। हाँ तो थायराइड के लिए भी बता रहा हूँ, एक तो जिनको भी कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, क्यों डर क्यों रहा है, हाथ नीचे कर। तो ऐसे ये पिंडलिया दबाते, बड़ी मजबूत हो गई इसकी पहलवान वजह से।